प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये स्ट्रक्चर होता है, ये मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे, क्या पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है का सेंस आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, रोहन कार खरीद चुका है या रोहन कार खरीद लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका है आ रहा है या लिया है का सेंस आ रहा है। हम मैच जीत गए हैं या हम मैच जीत चुके हैं, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में चुके हैं का सेंस आ रहा है। क्या आप स्कूल पहुंच गए हैं या क्या आप स्कूल पहुंच चुके हैं, दोनों सेंस बराबर हैं। इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस के लास्ट में भी चुका है, चुकी हैं, चुके हैं का सेंस आ रहा है। आपका दोस्त, यहाँ पे देखिए, आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, यानी आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब पूरा कर चुका है या कब पूरा किया है। देखिए यहाँ पे किया है का सेंस आ रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में ये सभी सेंस आएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का है। तो ये पहचान होता है, इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। सेंटेंस को बनाया जाएगा जब, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाते समय आप इस टेंस के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो हैज और हैव यूज करते हैं, यानी हैज और हैव का यूज किया जाता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए, किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और इस सेंटेंस में आप हमेशा मेन वर्ब जो यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो ये जो बेसिक रूल है आपको जानना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आपको बताया गया है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव का सेंटेंस जब रहेगा तो आप सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब किस सब्जेक्ट के साथ हैज का और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद हैव और हैव को यूज करने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि किस सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे। देखिए, अगर आपको पर्सन के बारे में पता है कि पर्सन क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाइए जहाँ पे आपको बताया गया है पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल क्या होता है, आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको ये पता लग जाएगा कि पर्सन क्या होता है। तो
तो अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो लेक्चर को देखिए, और अगर जानते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या रूल होता है हैज और हैव को यूज करने का। देखिए जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का यूज करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ तो आप इस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस जो है वो सेंटेंस क्या है, रोहन कार खरीद चुका है या रोहन कार खरीद लिया है। अब ये देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम बनाते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का यूज करिए। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है रोहन, यहाँ पे रोहन का यूज कर लीजिए। अब रोहन क्या है, क्या रोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें किसका यूज करना है, हैज का। रोहन हैज, वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, जो मेन वर्ब है वो क्या है, खरीदना। और खरीदना किसका मतलब होता है, खरीदना बाई का मतलब होता है, और बाई की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, ठीक है, रोहन हैज बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आ कार, रोहन हैज बॉट आ कार, रोहन कार खरीद चुका है या रोहन कार खरीद लिया है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे सेंटेंस में मूव करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, हम मैच जीत गए हैं या हम मैच जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस को हम बनाएंगे, ये भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, तो वी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं, वी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। इसके वजह से हमें वी के साथ किसका यूज करना होगा, हैव का, वी हैव। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जीतना। अब जीतने के लिए किसका यूज किया जाता है, विन, और विन की थर्ड फॉर्म क्या, वोन, वी हैव वोन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या, द मैच, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। अच्छा मान लीजिए आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव में था, ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का है, ठीक है। मान लीजिए आपका सेंटेंस अफर्मेटिव के बजाय नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी नकारात्मक वाक्य हो, तो आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, उसके बाद हैज और हैव के बाद आपको तुरंत किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, रोहन कार नहीं खरीद चुका है या रोहन कार नहीं खरीद लिया है या नहीं खरीदा है, तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, आपको करना कुछ नहीं रहता, आप हैज के बाद किसका यूज कर देते हैं, नॉट का यूज कर देते, तो ये सेंटेंस बनता, रोहन हैज नॉट बॉट अ कार, रोहन कार नहीं खरीद चुका है या रोहन कार नहीं खरीद लिया है। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखें हम मैच जीत गए हैं या हम मैच जीत चुके हैं, अगर ये सेंटेंस इस तरह से ना होके बल्कि ये होता कि हम मैच नहीं जीत चुके हैं या हम मैच नहीं जीते हैं, तो सेंटेंस आप किस तरह से बनाते हैं, आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो यह सेंटेंस बनता वी हैव नॉट ऑन द मैच। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। जब हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो किस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य को बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप स्कूल पहुँच गए हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब पूरा किया है। ये दोनों सेंटेंस देखिए इस टेंस का सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया गया है, और क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करेंगे,
और WH फैमिली का यूज करने के बाद आप हैज या हैव इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज आप जरूर करेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें WH फैमिली का यूज नहीं करना होगा और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें WH फैमिली का यूज करना होगा। तो देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं उस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो वहां पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उस सेंटेंस को बनाएंगे जब, तो वहां पे आप WH फैमिली का यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ये सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखिए क्या है, क्या आप स्कूल पहुंच गए हैं या क्या आप स्कूल पहुंच चुके हैं। अगर ये सेंटेंस मैं आपसे कहता तो ये क्या है, ये एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, हाँ आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं ना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ना कहके मैं आपसे ये कहता आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, देखिए अगर ये सेंटेंस मैं आपसे कहता तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता वहां पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है वहां पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। क्या आप स्कूल पहुंच गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, यहां पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हैज और हैव से। अब यहां पे किसका यूज हमको करना होगा, हैज या हैव का, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए किसका यूज किया जाता है, यू, और यू क्या है, ये यू थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे जब यू आया है तो यू के साथ किसका यूज होता है, हैव, तो हैव यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए पहुँचना, पहुँचना किसके मतलब होता है, अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अराइव। उसके बाद अराइव के साथ और रीच के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है, उसके बाद स्कूल है यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, स्कूल, स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो वहां पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। अब किस WH फैमिली का यूज किया जाएगा, यहाँ पे देखिए कब, कब के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, वेन, तो यही क्या है, यही WH फैमिली है, वेन। उसके बाद हैज, वेन हैज योर फ्रेंड, वेन हैज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पूरा करना, तो पूरा करना किसके मतलब होता है, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहता है तब। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होने के साथ साथ निगेटिव का भी सेंटेंस हो जाता है, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर, तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आपको देखिए करना कुछ नहीं है, आप सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देते हैं, नॉट का यूज कर देते हैं, तो वो सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस ये होता, क्या आप स्कूल पहुंच गए हैं, अगर ये ना रह के बल्कि ये होता क्या आप स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, तो आप क्या करते हैं, यू जो क्या है सब्जेक्ट है, और यू के बाद हमको किसका यूज करना है, नॉट का। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आपका दोस्त प्रोजेक्ट कब नहीं पूरा किया है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, योर फ्रेंड ये क्या है सब्जेक्ट है, और इसके बाद आप किसका यूज कर देते, नॉट का यूज कर देते, तो आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, निगेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको ये नहीं पता है कि पर्सन क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आई आता है वी, यू, दे,
दीज दोज आल या प्लूरल वर्ड कोई आता है अगर आपके सेंटेंस में तो वहाँ पे इन सभी के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, और बाकी जितने भी वर्ड आते हैं उन सब के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो अगर आपको पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ना, तो डोंट वरी, इसके लिए आप इस ट्रिक को क्या करिए, अप्लाई करिए और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट बनता जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।